चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करो। अ पार्टिकल इज कंस्ट्रेन्ड टू मूव ऑन ए स्ट्रेट लाइन पाथ, इट रिटर्न्स टू द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 10 सेकेंड, द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग दिस टाइम इज 30 मीटर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मोशन ऑफ द पार्टिकल इज फॉल्स। मान लो एक पार्टिकल चला और चल के वापस वहीं आ गया, ये इनिशियल पॉइंट भी है और यही फाइनल पॉइंट भी है, ठीक है, और इस पूरे जर्नी में 30 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, ठीक है, तो जहां से चला था अगर वहीं वापस आ गया तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट तो जीरो होगा ना, ठीक है, और ये जर्नी उसने कंप्लीट की 10 सेकंड में, तो एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी, एवरेज स्पीड कितनी होनी चाहिए, वी एवरेज की वैल्यू कितनी होगी, वी एवरेज टोटल डिस्टेंस 30 मीटर अपॉन टोटल टाइम 10 सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड एवरेज स्पीड हो गई, ये एवरेज स्पीड की बात कर रहे हैं हम, एवरेज स्पीड में हमने टोटल डिस्टेंस का इस्तेमाल किया क्योंकि ये टोटल डिस्टेंस वर्ड यूज किया ना, टोटल डिस्टेंस, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज जीरो, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरा, एवरेज स्पीड भी 3 मीटर पर सेकंड, तो फॉल्स कौन सा है, ये है, क्योंकि पार्टिकल 30 मीटर नहीं है, वो तो जीरो है ना, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट हो गया, और ए और बी को कह रहा है कि ये दोनों फॉल्स हैं, तो ये तो करेक्ट है, ये ट्रू है, फॉल्स है तो ये भी ठीक नहीं हो सकता, तो ये आंसर आपका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।